रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों में 27 मंत्री और उनके विभाग पिछड़ा वर्ग को दिए जाने को लेकर पाटन विधायक अजय विश्नोई ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए बताया कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें 27 पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को विशेष विभाग दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों को विशेष विभाग दिया। कैबिनेट में भी पिछड़ा वर्ग को तवज्जो दी गई है, जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आयोग का गठन किया गया है। यह पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और अमित शाह का देश के सभी पिछड़ा वर्ग के लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उसका अपना एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए ताकि उससे संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसका निराकरण उन्हीं के स्तर पर संभव हो पाए, इसलिए मोदी जी ने एक आयोग बनाने का जो फैसला लिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उसके लिए भी हमको आज पूरे मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री शामिल किए माननीय मोदी जी। उस 43 में से 27 मंत्री आज की तारीख में ओबीसी वर्ग के हैं, 5-6 हमारे कैबिनेट स्तर पे हैं, 1 स्वतंत्र प्रभार में हैं। कैबिनेट मंत्रालय में भी जिस तरीके के वजिंदा डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं, पर्यावरण का, शिक्षा का, इस्पात का, उड्डयन का, ये सारी चीज़ें हम सब पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए गर्व की बातचीत है। मैं माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए हम बैठे हैं कि उन्होंने देश में पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों को इतना सम्मान और इतना स्थान केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया है। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक आयोग हमारे लिए पिछड़े वर्ग आयोग के गठन किया है, वो आयोग के गठन के बाद से उसकी अभी एक्टिविटीज़ की शुरुआत होना बाकी है। हम लोग बहुत तेज़ी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी को इन तमाम हमारे वर्ग के ध्यान रखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग को और तवज्जो देने, खासतौर पर मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिहाज से क्या? नहीं, प्रदेश में भी पिछड़े वर्ग का कहीं कोई प्रतिनिधित्व में कमी नहीं है। उसका आंकड़ा आज की तारीख में उस मामले में प्रिपेयर नहीं हूँ बोलने को, पर पिछड़े वर्ग के लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लगातार इतने वर्षों से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। उसके यहाँ पर जहाँ हमारा नेता ही पिछड़े वर्ग का हो, वहाँ बाकी की गिनती गिताने की गिनाने की जरूरत कहाँ बसती है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।